अब कैसी तबीयत है अबू की? ओहो, तो आप मुझे पहले बता देती, मैं अस्पताल आ जाती। ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, दवाइयों से सही नहीं हो सकता? नहीं, मैं अम्मी से नहीं पूछ सकती, अभी 4 दिन पहले तो शादी से फारिग हुई है, आपको पता है कितना खर्चा हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ, वादा नहीं करती। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसने कॉल किया? अम्मी की, अब्बू सीढ़ियों से गिर गए हैं, टांग की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अम्मी पैसों का कह रही थी, कुछ हो सकता है? तुम्हारे सामने ही है सब, अम्मी अभी शादी से फारिग हुई हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास पैसे बचे होंगे। मैंने भी अम्मी को यही कहा है, मगर परेशान हो रही हैं बहुत। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम आंटी से कहो कहीं और से इंतजाम करने की कोशिश तो करें। जी अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। अम्मा भी सो गई? ठीक है, तुम भी जाके सो जाओ। तुम तो याद कर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं। अच्छा बस बस, ये बताओ कि घर पे कैसे हैं सब, आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं? सब ठीक ठाक, तुम सुनाओ, खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, मजे में। आजकल खाने बनाने सीख रही हूँ। खाना बना रही हो? इतनी जल्दी ससुराल वालों ने खाना पकाने पर लगा दिया, थोड़े तो नखरे उठाते तुम्हारे। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बोर होना शुरू हो गई थी तो ताईजान से कहा कि खाना बनाना सिखा दें, तो अब वो सिखा रही हैं। खैर तुम बताओ, तुमने कैसे याद कर लिया मुझे आज? यार मामा पापा कल इटली जा रहे हैं आप ही की तरफ, तो मैंने सोचा तुम्हारी और जुनेद की दावत कर लूँ, तो जल्दी से तुम दोनों तैयार होना शुरू कर दो, आज तुम दोनों मेरे घर दावत पर आ रहे हो। क्या मतलब, आज आज मैं कैसे आ सकती हूँ, और इतनी शॉर्ट नोटिस पे कौन बुलाता है, पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने मम्मा पापा को बता दिया है कि तुम लोग आज आ रहे हो, मैं तुम दोनों का वेट करूंगी, तो रात को मुलाकात होती है, बाय। लेकिन मायरा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? मायरा का फोन आया था, वो हमें घर पे डिनर पे बुला रही है, वो भी आज। आज प्लीज मना मत करना, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज हमें जाना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी से इजाजत लेनी होगी।